हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक है दोस्तों? तो जीनोन क्या है दोस्तों? एक प्रकार की अक्रिय गैस यौगिक है दोस्तों, जीनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मसाला एक मिश्रण है जो जल, बालू और बुझे हुए जो चूना है उसका मिश्रण दोस्तों। मसाला तो बोले दोस्तों मोर्टर, मोर्टर दोस्तों जल, बालू और बुझे हुए चूने का मिश्रण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों जो क्लोरीन जो गैस है दोस्तों वो वायुमंडलीय गैस का अंग नहीं है दोस्तों, क्लोरीन गैस दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है दोस्तों, तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है दोस्तों, और कितने मिनट तक किया जाता है दोस्तों? 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है दोस्तों, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के दौरान दोस्तों दूध को गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी दोस्तों? तो दोस्तों नियोन है दोस्तों, वीकन प्रकाश के रूप में निष्क्रिय गैस दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है दोस्तों? तो पित्त का जो स्रोत है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों यकृत, यकृत है दोस्तों पित्त का स्रोत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों की जो अंगों की जो अस्थियां हैं मुड़ जाती है यदि किसकी कमी हो दोस्तों? अगर दोस्तों विटामिन डी की दोस्तों बच्चों के अंदर कमी हो जाए दोस्तों तो उनकी जो हड्डियां हैं दोस्तों वो मुड़ जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों एल्यूमिन है दोस्तों जो मूत्र का असामान्य घटक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है दोस्तों? तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन का नाम है दोस्तों हीमोग्लोबिन दोस्तों, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य वयस्क व्यक्ति में हृदय का वजन कितना होता है दोस्तों? तो हृदय का वजन कितना होता है दोस्तों? 300 ग्राम होता है दोस्तों सामान्य व्यक्ति में हृदय का वजन दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो आपका फेसबुक पे अकाउंट है दोस्तों, FB अकाउंट है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप पे अकाउंट है दोस्तों, तो उसके माध्यम से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।